तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए और एक फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों ये है पार्ट टू वीडियो जो कि अपना महिंद्रा फंसा हुआ है। और दोस्तों पहले वीडियो में आप देख चुके हैं नेहोलैंड आया था, वो निकाल नहीं पाया। तो अभी देख सकते हैं ये आया है कुबोटा का 5502 4x4 ट्रैक्टर जो कि न्यू लॉन्च ट्रैक्टर है दोस्तों। और ये भी 50 HP है और अपना वाला ट्रैक्टर भी 50 HP है। तो देखते हैं ये निकाल पाता है या नहीं। और दोस्तों आप अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी जो है अपन टोचन लगाएंगे ट्रैक्टर से, और ये अपना टोचन खुद लेके आया है कुबोटा, और इसका जो हैवी ड्यूटी टोचन है इसमें, तो इससे अपना जो ट्रैक्टर को जोड़ेंगे और देखेंगे खींचने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं खींचा तो रोटावेटर को फिर अलग करेंगे। और देख सकते हैं रोटावेटर पूरा जाम हो गया है, तो मुझे नहीं लगता ये निकल पाएगा। देखते हैं एक बार प्रयास करके, नहीं तो रोटावेटर को खोलेंगे और फिर निकालेंगे ट्रैक्टर को। तो बने रहिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देख सकते हैं अपना जो हीच लगाए थे तब अभी बढ़िया काम दे रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी फीड हो चुका है अपना जो टोचन है, और अभी एक बार प्रयास करके देखते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों अभी ये निकाल नहीं पाया क्योंकि जो रोटावेटर है वो पीछे से फंसा हुआ है। तो अब अभी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, ट्रैक्टर को पूरा पकड़ के रखा है वो। तो पहले अपन जो है रोटावेटर को अलग करेंगे ट्रैक्टर से, और फिर कुबोटा से रोटावेटर को पीछे खींच देंगे। और दोस्तों उसके बाद जो है अपन ट्रैक्टर को खींचेंगे तो निकल जाने का संभावना है। तो देखते हैं, ऐसा कुछ अभी का प्लानिंग है। बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो है रोटावेटर को टोचन लगाया जा रहा है, और टोचन से इसे खींच देंगे दोस्तों पीछे की तरफ, जिससे कि अपना जो ट्रैक्टर है आसानी से निकल सके। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी जो टोचन फिट हो चुका है, और ट्रैक्टर अभी खींचने भी लगा है, आप देख सकते हैं। और पहली बार दोस्तों अपना रोटावेटर को ऐसे खींच रहे हैं, और इससे बहुत ही नुकसान भी हो सकता है। देख सकते हैं जो रोटावेटर पलट गया अभी। बहुत ही विकट परिस्थिति है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करें, परिस्थिति के कारण करना पड़ रहा है। ये नहीं करेंगे तो ट्रैक्टर भी नहीं निकलेगा, बेफालतू परेशान होंगे हम। और देख सकते हैं दोस्तों कुबोटा का जो हालत है, वो आगे से उड़ जा रहा है रोटावेटर को खींचने में। इसका जो हालत है बेहाल हो चुका है ये, आप देख सकते हैं। ये तो पूरा हल्का ट्रैक्टर है दोस्तों, आप जानते भी होंगे। अभी दोस्तों रोटावेटर अलग हो चुका है ट्रैक्टर से, अभी देखते हैं निकलता है या नहीं अपना महिंद्रा। निकल जाने का तो बहुत ही संभावना है। पहले टोचन लगाते हैं फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं अपना जो रोटावेटर का हालत है। दोस्तों एक जो स्प्रिंग रहता है वो एक पूरा बैंड हो चुका है, थोड़ा सा बैंड हो गया है दोस्तों, क्योंकि पलट गया तो वो जो मिट्टी था उससे बैंड हो गया। और अभी जो है अपना टोचन भी फीड हो चुका है, और देखते हैं एक बार प्रयास करके एक ही बार में निकल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रैक्टर अभी जोर लगा रहे हैं और फोर व्हील लगाने के कारण ही आसानी से अपना जो ट्रैक्टर है अभी निकल चुका है। आप देख सकते हैं कुवोटा भी बहुत ही बढ़िया हमें हेल्प किया और दोस्तों अपना जो ट्रैक्टर है अभी फ़िलहाल निकल चुका है। और आज का जो दिन था दोस्तों बहुत ही परेशानी वाला दिन था, सुबह से फंसा था, अभी निकला है ट्रैक्टर। तो आपको वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ सभी चीज़। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास वाले बेल आइकॉन कॉल पे सेट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।